गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और ये कैसे बनता है। सॉल्यूशन, इट्स टाइप, इट्स प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पहले आपने पढ़ा था कंपाउंड, मिक्सचर, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके बीच में डिफरेंस। अभी हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। जैसे चीनी पानी मिला लीजिए, उसके बाद जो लिक्विड मटेरियल तैयार होता है वही आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, होमोजीनियस क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हम चीनी और पानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी शुगर और वाटर, इनको अलग अलग देख नहीं सकते, ये मिलने के बाद एक नया कंपाउंड जनरेट करते हैं। इसी वजह से इस मिक्सचर को होमोजीनियस कहा गया है। सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का सामांगी, होमोजेनियस यानी कि सामांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन वे में जो यूज होता है शुगर वाटर सॉल्यूशन, चीनी और पानी का घोल, शरबत हर जगह बनता है, गर्मियों में कुछ ज्यादा ही यूज होता है। शुगर वाटर सॉल्यूशन ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी यही होती है कि उनके इंग्रेडिएंट्स को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। या आपका आता है सोडा वाटर, वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन, एल्कोहल, ये सब एक तरह का सॉल्यूशन ही होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, टू और मोर सब्सटेंसेस का या टू और मोर एलिमेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के कंपोनेंट यानी इंग्रेडिएंट्स, किन चीजों से सॉल्यूशन मिलके बनता है, तो किन चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, जैसे आपको शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें दो चीज़ें चाहिएगी, शुगर और वाटर। आपको सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, वहाँ भी आपको सॉल्ट और वाटर चाहिए। अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना है तो अल्कोहल और वाटर चाहिए। तो यहाँ कुछ चीज़ें कॉमन है, हमें दो चीज़ मिलेंगी, जिन दो चीज़ों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन जनरेट होता है वही आपका कहलाता है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट आपका होता है सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई चीज डिजोल्व करते हैं। जैसे आपका शुगर सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा। वाटर को आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, कुछ रेयर ऐसी चीज़ें हैं जिनको छोड़ कर जो एक्सेप्शन है, उसके अलावा सब जितनी भी यूनिवर्स की चीज़ें हैं नियरली सब वाटर में सोल्यूबल होती हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। शुगर यानी जो चीज़ घोली जाती है किसी भी चीज़ में, और जो घोलता है अपने अंदर किसी चीज़ को यानी वाटर, वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, जिस चीज़ को हम किसी चीज़ में घोलेंगे, मिक्स करेंगे, जिस चीज़ को मिक्स करेंगे वो आपका कहलाता है सॉल्यूट, और जिस चीज़ में मिक्स करेंगे, जिस चीज़ में किसी चीज़ को डिसॉल्व किया जाता है
वो आपका कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? जिसके अंदर डिजॉल्व होता है, और सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता है। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हुई। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास कंपोनेंट कितनी तरह के हो सकते हैं? या तो सॉलिड होंगे, मैटर तीन ही फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, या तो दोनों सॉलिड होगा, या दोनों लिक्विड होगा, या दोनों गैस होगा, या फिर एक सॉलिड एक लिक्विड, एक सॉलिड एक गैस, एक लिक्विड एक गैस, एक लिक्विड एक सॉलिड। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पे सॉल्यूशन को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 9 कौन कौन सी होंगी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट है हमारे पास, ये क्या हो सकते हैं? दोनों सॉलिड हो सकते हैं, दोनों सॉलिड हो सकते हैं, या फिर सॉल्यूट को सॉलिड ही रहने दें, इसको लिक्विड कर दें, ठीक है, या फिर सॉलिड और ये आपका क्या हो जाएगा? गैस। इसी तरह से इन फेजेस को आप चेंज करेंगे, लिक्विड लिक्विड टू सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज लिक्विड टू गैस सॉल्यूशन। इसी तरह आप गैस लेंगे, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड, एंड गैस टू गैस सॉल्यूशन। इसको इसी तरह आप ले सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, ये आप इस साइड फिल अप करेंगे। तो कितनी कैटेगरीज हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सॉल्यूशन को 9 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो के दोनों सॉलिड होने चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड कब होंगे? जब कोई एलॉय बनती है, अशुद्धियां जब बनती हैं, लाइक बोरॉन। इसमें बोरॉन भी सॉलिड होता है, और जो इसमें एलॉयज जो बाहर से मिक्स की जाती है, वो भी आपका सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड है आपका सॉलिड लिक्विड, यानी सॉल्यूट आपका सॉलिड होना चाहिए और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सुगर वाटर। सुगर क्या है आपका? चीनी सॉलिड होती है और वाटर आपका लिक्विड होता है। इसी तरह सॉलिड टू गैस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपका? आयोडीन सॉलिड होती है ना, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन टू एयर, जो आयोडीन का सब्लिमेशन है वो एयर में करेंगे, तो एक सॉलिड हो जाएगा और सेकेंड फेज आपकी क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। इसी तरह लिक्विड ऑफ सॉलिड, लिक्विड ऑफ सॉलिड जेली आपने बहुत यूज की होगी। जेली वो लिक्विड टू सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है, इसीलिए वो जेली बनती है। लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन सबसे ज्यादा यूज होता है, 99% जनरेशन इसका यूज करती है, एल्कोहल लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन होता है, एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, ये आपका होता है लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह आपका है लिक्विड टू गैस, एयर और सॉल जो होती है, एयर में एल्कोहल एयर और सॉल। इसी तरह आपका है गैस टू सॉलिड, हाइड्रोजन गैस होती है, गैस टू लिक्विड एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं आपके, और गैस टू गैस में एयर आती है। ये तो होते हैं 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू
टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के टाइप्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं जो सॉलिड और सॉल्वेंट की ये फेज होती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्यूशन के कुछ टाइप होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये तीन कैटेगरीज आपकी होती है कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, एक एक को आप ऐसे ही समझाते चलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आप अगर लैब में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जो जिसमें आपके कंपाउंड्स या लिक्विड्स भरे होते हैं जो बॉटल्स में, उसके ऊपर लिखा होता है डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl। वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड मतलब इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ में पड़ेगा तुरंत रिएक्ट करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तेजाब, जहाँ भी पड़ता है स्किन पे पड़ेगा उसको भी जला देगा, कपड़े पे पड़ेगा उसको भी जला देगा, पर कंडीशन ये है कि वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अगर कंसंट्रेटेड तेजाब होगा, आप एसिड अटैक बहुत सुनते हैं, अगर एसिड कंसंट्रेटेड होगा तो वो बहुत तेज़ रिएक्ट करेगा, यहाँ तक कि वो स्किन गला भी सकता है, हड्डियों को गलाने की भी पावर होती है उसमें, बोन्स पे भी वो इफेक्ट करता है। तो कंसंट्रेटेड मीन्स हाई रिएक्टिविटी, सॉल्यूशन की रिएक्टिविटी जब हाई होती है तो वो कंसंट्रेटेड कहलाता है, और उसी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम उसमें वाटर मिला देते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में हम वाटर, किसी भी सॉल्यूशन को हम वाटर में डिजॉल्व कर देंगे या किसी भी तरह के सॉल्यूशन में ऊपर से वाटर डाल देंगे तो वो जो सॉल्यूशन जनरेट होगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और वो आपका कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे स्टार्टिंग में आप सुबह सुबह कोई काम करना स्टार्ट करिए, वो काफ़ी स्पीड से होती है, उस टाइम आप काफ़ी चार्ज रहते हैं तो वो कंसंट्रेटेड माना जाएगा, और अगर वही काम आपसे दोपहर में 5-6 या फिर शाम में 5-6 बजे करा लिया जाए तो आपको थोड़ा सा टायर्ड फील होगा, आप उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो कंडीशन होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन की। कंसंट्रेटेड क्या होता है, बहुत हाई वर्क करता है, और डाइल्यूट क्या होता है, बहुत स्लोली वर्क करता है, काम करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। डाइल्यूट में आप उंगली डाल देंगे वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरह के कंसंट्रेटेड एसिड या बेस में आप फिंगर अपनी डिप करेंगे तो आपकी फिंगर को वो जला भी सकता है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्लियर हुआ, कंसंट्रेटेड मतलब हाई रिएक्टिविटी, डाइल्यूट मतलब वाटर मिलाने के बाद उसकी रिएक्टिविटी कम करा दीजिए। थर्ड है आपका सैचुरेटेड, इन तीनों को एक ही साथ समझाते हैं। भूख लगती है, किसी को 2 रोटी की भूख है और उसे पूरी की पूरी 2 रोटी मिल जाए तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड यानी संतृप्त। किसी को कोई चीज़ दीजिए तो वो कहता है हम तृप्त तो हो गए, मतलब उसको जितनी आवश्यकता थी उतना सफिशियंट मैटर हमने प्रोवाइड करा दिया। तो 2 रोटी की भूख है, अगर हम 2 रोटी खा लेते हैं तो वो सैचुरेटेड होगा, अगर 2 की भूख है कोई हमें एक ही देता है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और सुपर सैचुरेटेड होता है 2 की भूख है और अगर सब्जी अच्छी मिल गई तो 3-4 खा लेते हैं तो वो कंडीशन जनरेट होती है सुपर सैचुरेटेड की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक वो सॉल्यूशन होता है, और अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता है, और सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार करके उसकी रिएक्टिविटी लेवल बहुत हाई हो जाता है तो वो आपका सुपर सैचुरेटेड होता है। ठीक है, ये है आपके सॉल्यूशन के टाइप्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, और ये है सॉल्यूशन के टाइप्स अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड और गैस के अकॉर्डिंग ही आपके सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। इनकी नोट्स आपको PDF में अवेलेबल हो जाएंगी, आप उसको नोट डाउन करेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो नहीं समझ आएगा वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।